नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? तो आज का टॉपिक होने वाला है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, जिसको हम बोलते हैं खराश इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट। तो तीनों नाम एक ही चीज के हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्कोनिक ऑफ एडिशन या मार्कोनिक ऑफ रूल, और आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले बोर्ड पे लिखा है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या खराश इफेक्ट या परोक्साइड इफेक्ट। तो तीनों नाम से ये जाना जाता है, कई बार अलग अलग नाम से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, खराश इफेक्ट या परोक्साइड इफेक्ट होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलो देखें, है ना। तो जैसा हमने मार्कोनिक ऑफ एडिशन में बात किया था कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ एडअप होता है ना। मार्कोनिक ऑफ रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बाइंड होता है, तो जो माइनस पार्ट है किसका, एडिंग रिएजेंट का, वो किसके साथ जाता है? उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था ऐसा कैसा, देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने HBr। ठीक है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या था बच्चों? Br, ये मेजर था, और माइनर क्या था? CH3, CH2 एंड CH2 Br। तो बी आर जब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, बीच वाले, तो मेजर होगा, और बी आर जब जो है किनारे वाले कार्बन पे जाएगा तो माइनर होगा। तो ये रूल क्या था? ये हमारा था मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। देखिए कैसे, पहले एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लिख देते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम HBr के साथ। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है उसमें कुछ रिएक्शन कंडीशन इन्वॉल्व होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कौन कौन सी होती है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सेम कंसेप्ट है, HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा और दूसरा बच्चों मिलेगा ये वाला। ये वाला हो गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये वाला हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और ये वाला है बच्चों मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आप देखिए, है ना, क्या है डिफरेंस दोनों। तो मार्कोनिक ऑफ में जो हमारा टू ब्रोमो प्रोपेन था वो था मेजर प्रोडक्ट और 1 ब्रोमो प्रोपेन था माइनर प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिक ऑफ में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये जो बच्चों 1 ब्रोमो प्रोपेन है ये होगा माइनर, और सॉरी मेजर, ये वाला मेजर, और 2 ब्रोमो प्रोपेन विल बी माइनर। बस मतलब एंटी अपोजिट है, जो मार्कोनिक ऑफ में मेजर था वो एंटी मार्कोनिक ऑफ में माइनर होगा, और जो मार्कोनिक ऑफ में माइनर था वो एंटी मार्कोनिक ऑफ में मेजर होगा। बाकी डेफिनेशन सब कुछ सेम आएगी, ठीक है। बस जो प्रोडक्ट मेजर माइनर था वो उल्टे हो जाएंगे, समझ गए बात मेरी। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट का डिफरेंस है, जो वहां माइनर था यहां मेजर है, जो यहां मेजर था उनका माइनर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें इसकी नोट कर लेते हैं कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। समझ में बात आ गई, मिटा दूं इसे। ठीक है,
तो एक तो बेसिक डिफरेंस आपने समझ लिया है कि मार्कोनी कॉफ और एंटी मार्कोनी कॉफ में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। देखो, जो एंटी मार्कोनी कॉफ है, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, पहली बात। और जो हमारा मार्कोनी कॉफ एडिशन था वो किसके थ्रू काम करता था, कार्बोकैटायन। भाई ये डिफरेंस है ना, ये फ्री रेडिकल। दूसरा पॉइंट है, जो एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन होगी वो कभी भी किसी न किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट एंड परोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है, ठीक है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या बोलता है कि जब भी एंटी मार्कोनी कॉफ एडिशन होगा या परोक्साइड इफेक्ट होगा तो ये तीन कंडीशन इन्वॉल्व होंगी, बिना इनके परोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। क्या क्या होनी चाहिए, या तो लाइट होगा, या तो हाई टेम्परेचर होगा, या तो कोई परोक्साइड दिया होगा, तभी जाके रिएक्शन प्रोसीड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जबकि मार्कोनी कॉफ एडिशन में इन तीनों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बिना इन तीनों के मार्कोनी कॉफ एडिशन हो जाता है। लेकिन एंटी मार्कोनी कॉफ एडिशन इन तीनों के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। आप देखो तीसरा, ओनली एच बी आर गिव्स दिस रिएक्शन। एंटी मार्कोनी कॉफ केवल और केवल एच बी आर देता है, एच सी एल एच आई इस रिएक्शन को नहीं देता है। यानी अगर आप एच सी एल को परोक्साइड की प्रेजेंस में या हीट और लाइट की प्रेजेंस में करोगे तो वो एंटी मार्कोनिक होने की बजाय मार्कोनिक ही करेगा। इन दोनों के लिए एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक कुछ भी नहीं है। यानी होगा क्या, दोनों दोनों मार्कोनी कॉफ एडिशन के थ्रू ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों एच बी आर जो है एंटी मार्कोनी कॉफ एडिशन के लिए काम करेगा, ठीक है, समझ में बात आ गई। यानी एच बी आर से ही मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक डिफरेंशिएट होगा। ये दोनों हमेशा मार्कोनी कॉफ एडिशन के थ्रू ही अटैच होंगे, क्लियर हो गया। तो कई बार दिया होता है कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड जो है एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन देता है, तो बच्चों क्या लिखना है, एच बी आर, क्लियर हो गया। चौथी चीज, द मेजर प्रोडक्ट इज विल बी माइनर इन मार्कोनी कॉफ एडिशन। बस ध्यान रखना है कि खराश इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, जो मार्कोनी कॉफ एडिशन में माइनर था, क्लियर हो गया। तो बस कंसेप्ट यही है बच्चों, है ना, कि मार्कोनी कॉफ में जो मेजर होगा वो यहां माइनर होगा, और जो मार्कोनी कॉफ का माइनर होगा वो एंटी मार्कोनी कॉफ में मेजर प्रोडक्ट होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। केवल और केवल एच बी आर ही इस रिएक्शन को देता है। ये रिएक्शन हमेशा इन तीनों में से किसी एक कंडीशन में होगी, या तो लाइट होगा, या तो हीट होगा, या तो परोक्साइड होगा। और ये बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चार पॉइंट पहले सबसे पहले नोट करो आप कि जो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है भाई। चलो तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है। तो यहां पर मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। प्लस एच बी आर, और यहां पर लिखते हैं एंटी
मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3CH2CH2Br, ये मेजर होगा, और CH3BrNCH3 माइनर होगा, कॉन्सेंट्रेशन 20%, मेजर होगा कॉन्सेंट्रेशन 80%। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं और ये रिएक्शन आपको करके देनी है। क्लियर हो गया? ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे बच्चों लाइट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, या कोई परोक्साइड भी हो सकता है, तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन दी होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, मिटा दूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है, उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और किसकी प्रेजेंस में नहीं होगी। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब देखिए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हम बात करते हैं, है ना, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म, ठीक है, कि किस तरह से हमारा मेजर और माइनर बनता है। ठीक है, तो बच्चों मैकेनिज्म मैंने बोला क्या सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये शो करता है। और बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, सबको मालूम होना चाहिए। तीन स्टेप कौन कौन से हैं? एक तो पहला स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन। अगर आपने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था तो वहां मैंने बताया था। दूसरा स्टेप होता है बच्चों प्रोपागेशन, और तीसरा स्टेप होता है हमारा टर्मिनेशन। ठीक है, तो इन्हीं स्टेप के थ्रू हम बात करेंगे, लेकिन इनिशिएशन और प्रोपागेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें केवल प्रोडक्ट तक जाना है ना। क्लियर हो गया? आप देखो, तो सबसे पहले बात करेंगे इनिशिएशन स्टेप की, है ना, देखो इनिशिएशन, है ना, और बच्चों इनिशिएशन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे पहले फ्री रेडिकल जो है जनरेट होता है। अब देखिए कैसे होता है, हम यहां पर यूज करने वाले हैं एक कंपाउंड यानी एक परोक्साइड जिसका नाम है बच्चों बेंजोइल परोक्साइड, है ना, ये C6H5COO, और ये वाला क्या है, इसमें परोक्साइड है, तो इसका नाम है बच्चों बेंजोइल परोक्साइड, और इसको हम जो है C6H5C डबल बॉन्ड, देखो इतना हिस्सा का होल ट्वाइस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो नाम लिखा होगा, या तो स्ट्रक्चर दिया होगा, या तो ऐसा दिया होगा, तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहां से होगी, फ्री रेडिकल के जनरेशन से, और फ्री रेडिकल को जनरेट कौन करवाएगा, ये परोक्साइड करवाएगा। ठीक है, अब कैसे करवाएगा देखते हैं। तो बच्चों परोक्साइड सबसे पहले क्लीवेज होगा बाय होमोलाइसिस, होमोलाइटिक मेथड से। तो जब होमोलाइटिक मेथड से कोई बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मालूम है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां। क्लियर हो गया? तो ये बॉन्ड बीच से ब्रेक डाउन हो गया, तो अब क्या बचा, C6H5C डबल बॉन्ड OON फ्री रेडिकल, और इधर भी ऐसा ही, तो इसको दो मॉलिक्यूल हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका नाम होगा बेंजोइल फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया? ये बन गया। अब देखो, अब ये क्या करेगा, C6H5C डबल बॉन्ड OO फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा बच्चों, CO2 निकाल देगा, और C6H5 फ्री रेडिकल बनेगा एंड CO2 विल बी रिमूव, तो ये हो जाएगा बच्चों फिनाइल फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब देखो, ये जो हमारा फिनाइल फ्री रेडिकल बना है,
अब ये जो है HBr के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो HBr से ये क्या करेगा, Br फ्री रेडिकल बनाएगा यहां से, और ये जो H है यहां अटैक करेगा। तो H फ्री रेडिकल और C6H5 फ्री रेडिकल क्या बना देंगे, बेंजीन बना देंगे, C6H6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और बचा क्या हमारे पास, Br फ्री रेडिकल ये वाला। तो हमें इसी की तलाश थी। तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल में हमें क्या चाहिए, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल हमें चाहिए, और वो कहां से मिला, इस परोक्साइड की मदद से। इसलिए मैंने कहा था कि जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होती है, परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। क्लियर हो गया। तो अब हमें Br फ्री रेडिकल मिल गया है। तो ये पूरा था इनिशिएशन, मिटा दो इसे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा Br फ्री रेडिकल बना है ना, ये दूसरे स्टेप में जाएगा, यानी स्टेप टू कौन सा होगा, प्रोपागेशन, तो अब हमारे पास बच्चों था CH2, है ना, देखो ये ज्यादा अच्छा है, CH2 डबल बॉन्ड CHN CH3, ठीक है, और जो हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह अटैक कर सकता है। तो जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो एक दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा, और इस पे अटैक करेगा तो दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा। इसका मतलब देयर आर टू कंडीशन, तो मैं दोनों लिख देता हूं, इधर अटैक करेगा तो मैंने ए नाम दे दिया, और इधर अटैक करेगा तो बी नाम दे दिया। क्लियर। तो यहां मैं ए लिख देता हूं और यहां लिख देते हैं बी, ठीक है भाई। अब देखो Br बी की साइड जुड़ा, तो CH2 Br, ठीक है, CHN CH3, तो बच्चों ये वाला फ्री रेडिकल बना है ना। क्लियर। Br इस साइड जुड़ा तो फ्री रेडिकल ये वाला बना, और अगर Br इस साइड जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल ये वाला बनेगा। तो CH2 फ्री रेडिकल और Br हमने जोड़ दिया बीच में, और CH3, ठीक है। तो हमारे पास Br ने दो फ्री रेडिकल बना दिए, एक ये वाला फ्री रेडिकल और एक ये वाला फ्री रेडिकल। क्लियर। इसको हम बोल सकते हैं 1-bromo-propyl फ्री रेडिकल, और ये होगा 2-bromo-propyl फ्री रेडिकल। क्लियर। अब बच्चों ये वाला फ्री रेडिकल क्या करेगा, दोबारा से HBr से रिएक्शन करेगा, तो कहानी वही, इलेक्ट्रॉन यहां इलेक्ट्रॉन यहां। तो अब क्या होगा, ये जो H है ये यहां पे अटैक करेगा। क्लियर। और इधर भी ऐसी कहानी होगी, HBr है ना, ये H अब कहां अटैक करेगा, ये पहले वाले पे, इस पे, जहां उसको फ्री रेडिकल देखेगा वहीं अटैक करेगा, है ना। तो H इस समय सेकेंडरी कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या बना, देखो CH2, और Br इस पे पहले से जुड़ा था, अब ये CH किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, और प्लस CH3। क्लियर। इसको हम बोलेंगे 1-bromo-propane, ठीक है। और यहां पर H जो है किनारे वाले से अटैच होगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH Br एंड CH3, ये हो जाएगा बच्चों 2-bromo-propane। क्लियर, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बने हमारे, हमने इसको मेजर बोला, है ना, ये तो था मेजर और 80%, और इसको हमने क्या बोला, माइनर और 20%, यही था परोक्साइड इफेक्ट में, है ना। 1-bromo-propane मेजर था और 2-bromo-propane माइनर था। अभी मेजर क्यों बना, देखिए बच्चों इसका रीजन है इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। यहां पर जो फ्री रेडिकल बना है ये बच्चों कौन सा फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और यहां पर जो फ्री रेडिकल बना है ये है आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल, सही है, ठीक है।
अब मुझे ये बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ऑब्वियसली सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये तो हुआ ना। तो जब सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ज्यादा स्टेबल होगा, और जब ये इससे कम स्टेबल है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम स्टेबल होगा। तो बच्चों जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहती है, तो उसको हम माइनर बोलते हैं, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसको हम मेजर बोलते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड को जन्म देगा, और कम स्टेबिलिटी वाला रेडिकल कम स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड को जन्म देगा। तो कम स्टेबिलिटी माइनर हो जाएगा और ज्यादा स्टेबिलिटी मेजर हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए ये मेजर हुआ और ये माइनर हुआ। जबकि मैंने आपको मार्कोनी कॉप में पढ़ाया था उसमें मैकेनिज्म के थ्रू ये मेजर था और ये माइनर था ना, याद नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये क्यों मेजर आया और ये क्यों माइनर आया। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। क्लियर हो गया? तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। मिटा दूं भाई, ठीक है। टर्मिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, टर्मिनेशन में आप सारे फ्री रेडिकल आपस में मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेंगे, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि मेजर और माइनर क्यों बना। क्लियर हो गया? ठीक है, मिटा दूं अब। चलो मिटा देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म के थ्रू कि क्यों वन ब्रोमो प्रोपेन जो है ज्यादा स्टेबल है और मेजर है, और क्यों जो है जो टू ब्रोमो प्रोपेन है वो कम स्टेबल है। ठीक है, और मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रही थी, फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही थी। ठीक है, और फ्री रेडिकल कौन बना रहा था, परऑक्साइड बना रहा था। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अब कई बार क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, है ना। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा है CH3 and CH double bond CH2, और बच्चों यहां पर लिखा है HBr और इधर भी लिखा है HBr। ठीक है, अब दोनों में आपको प्रोडक्ट बताने हैं मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। तो सवाल यह है कि कौन मार्कोनी कॉफ करेगा और कौन एंटी मार्कोनी कॉफ करेगा, कैसे पता करें, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। दोनों में सब कुछ सेम है, तो बच्चों जब भी एंटी मार्कोनी कॉफ की बात आएगी तो HBr के साथ साथ एक और यहां पर रिएक्शन कंडीशन दी होगी, और वो रिएक्शन कंडीशन कौन सी हो सकती है, या तो एच नी होगा, या तो दिया होगा R OR, या तो लिखा होगा परऑक्साइड, यानी HBr के साथ इन तीनों में से कोई एक और यहां पे दिया होगा। लेकिन अगर हम मार्कोनी कॉफ की बात करें तो केवल और केवल HBr होगा, कोई रिएक्शन कंडीशन यहां पे नहीं होगी, और कई बार केवल थोड़ा सा लिख देते हैं डार्क। तो समझ जाना चाहिए अगर डार्क है और HBr है तो इसका मतलब यहां पे मार्कोनी कॉफ एडिशन होने वाला है, और बच्चों HBr के साथ या तो एच न्यू या तो परोक्साइड या तो परोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। तो समझ जाना चाहिए यहां पे कौन सी रिएक्शन करने वाले हैं, एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं कि पता कैसे चले कि मार्कोनी करना है कि एंटी मार्कोनी करना है, तो HBr के साथ कुछ नहीं दिया होगा ब्लैंक तो मार्कोनी, या HBr के साथ लिखा होगा डार्क तो भी मार्कोनी। तो अब मार्कोनी का एडिशन करेंगे तो भाई मेजर माइनर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये मेजर और ये माइनर। क्लियर, और यहां उल्टा कर देना वहां, ये मेजर और ये माइनर, बस कंसेप्ट ही है। यहां जो मेजर होगा वो यहां माइनर होगा, यहां जो माइनर होगा वो यहां मेजर होगा। समझ गए बात मेरी? ठीक है,
तो चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ना, और चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। चलो देखो, बेंजीन और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है बच्चों, और यहां पे लिखा है एच बी आर और यहां पे लिखा है एच बी आर लाइट, ठीक है भाई। अब यहां पे आपको मेजरमेंट ढूंढना है, यहां पे आपको मेजरमेंट ढूंढना है। पहले तो ये पता करें कि मार्कोनी कब करना है और एंटी मार्कोनी कब करना है। तो देखो एच बी आर के साथ एच न्यू दिया है, इसका मतलब यहां पे एंटी मार्कोनी ऑफ होने वाली है, और यहां पे केवल एच बी आर दे रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या होने वाला है, मार्कोनी ऑफ लिखा नहीं होगा, है ना, मैंने आपको सजेस्ट किया है ऐसा होगा, क्लियर भाई। तो अब कंसेप्ट देखिए, पहले मार्कोनी ऑफ की बात करते हैं। मार्कोनी ऑफ, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो बीच में चला जाएगा। तो यहां पे बच्चों हमारा ये मेजर हो जाएगा, है ना, और ये माइनर हो जाएगा। तो ये मेजर वन ब्रोमो वन फिनाइल एथेन विल बी मेजर, और वन ब्रोमो टू फिनाइल विल बी माइनर, क्लियर, समझ में आ रहा बात, ठीक है। यहां क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहां मेजर कौन सा होगा, सी एच टू एन सी एच टू एन बी आर, ये मेजर होगा, है ना, और माइनर कौन होगा, यहां पे ये वाला, दिस विल बी माइनर, ठीक है भाई। तो इस तरह से बच्चों हमारा मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे हम, है ना, तो जो यहां माइनर वो यहां मेजर, और जो यहां मेजर वो यहां माइनर, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मिटा दो इसे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, और उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, देखिए फिर किस तरह से आता है, है ना। एक और ले लेते हैं यहां पर, सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ब्यूट वन इन, है ना, और ब्यूट वन इन, और इसके लिए मैं दो कंडीशन लिख लेता हूं, है ना, एच बी आर आर डबल ओ आर और ओनली एच बी आर, ठीक है भाई, करो सॉल्व करो, ठीक है। एच बी आर परऑक्साइड, इसका मतलब एंटी मार्कोनी ऑफ, ओनली एच बी आर, इसका मतलब मार्कोनी ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले मार्कोनी ऑफ देख लेते हैं, बी आर हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है, तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर एन सी एच थ्री, ठीक है, टू ब्रोमो ब्यूटेन विल बी मेजर, और बी आर को किनारे कर लो, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू बी आर, वन ब्रोमो ब्यूटेन विल बी माइनर। तो अगर आपको मार्कोनी ऑफ में मेजर और माइनर पता चल जाए तो यही उल्टा करना है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू बी आर एन सी एस थ्री, टू ब्रोमो प्रोपेन विल बी माइनर क्योंकि वहां मेजर है, ठीक है, और प्लस सी एस थ्री सी एच टू सी एस टू सी एच टू बी आर विल बी मेजर, बस कुछ नहीं करना, सही है,
देख लो भाई, ध्यान से देख लो, है ना, किस तरह से हो रहा है। तो मेजर और माइनर का कंसेप्ट ये करना है, क्लियर हो गया। तो बहुत इजी है ना। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा, है ना, इस तरह का, ठीक है। चलो 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 चलो, एच बी आर, ओनली एच बी आर, एच बी आर, और यहां पे लिखा है परोक्साइड, ठीक है। तो समझ जाना चाहिए, ये वाला हिस्सा एंटी मार्कोनिक ऑफ, ये वाला हिस्सा मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है। तो लिख लीजिए एंटी मार्कोनिक ऑफ, है ना। चलो भाई ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन में ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखें, है ना। तो यानी जब आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें मेजर हो जाएगा और किनारे वाला इसमें माइनर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए सबसे पहले बच्चों मार्कोनिक ऑफ एडिशन में एच अटैक करेगा, तो एच अटैक करेगा तो आपको दो कार्बोकैटायन मिलेंगे, एक ये और एक ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बच्चों रियरेंज होके यहां पर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनाएगा, यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में आपको दो कार्बोकैटायन दिखेंगे, एक ये वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन। ये स्टेबल कार्बोकैटायन है तो इसलिए बीआर बेंजीन के नजदीक वाले कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है। ये कम स्टेबल कार्बोकैटायन है इसलिए बीआर इस पे लग जाएगा। तो ये वाला माइनर, ये वाला मेजर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन में बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। तो रीअरेंजमेंट क्या होगा, सेकेंडरी से इधर आएगा, क्लियर हो गया, इसीलिए बी आर मैंने यहां लगाया। अब वहां अगर हम बात करें तो वहां इन दोनों में आएगा बस, है ना, फ्री रेडिकल। देखो तो क्या होने वाला है, इधर जो मेजर होगा वो होगा बच्चों बी आर, क्लियर। और अगर माइनर की बात करें तो हाँ ये वाला है ना, फ्री रेडिकल। लेकिन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल अपने आप को चेंज नहीं करता है, तो बी आर यहां पर होगा तो ये होगा आपका माइनर, बस कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर, बस ध्यान क्या रखना, जो यहां माइनर था वो यहां मेजर होगा। लेकिन यहां हमने इसको मेजर क्यों बोला, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हुई। लेकिन बच्चों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसीलिए बिल्कुल डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी। तो ये माइनर और ये मेजर, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन नॉट ऑब्जर्व्ड इन इन, और आपके ऑप्शन है वन ब्यूटीन, वन प्रोपीन, तीन पेंट वन इन, और चौथा ब्यूट टू इन, है ना। तो देखिए जरा सॉल्व कीजिए इसे, कि मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ हो
एंटी मार्कोनी कॉफ हो या मार्कोनी कॉफ हो, ठीक है, दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, यानी नॉट ऑब्जर्व इन। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि दोनों जो है एक जैसे प्रोडक्ट कब बनाएंगे, जब हमारी एल्कीन क्या हो, सिमेट्रिकल एल्कीन हो, यानी एक ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के लेफ्ट एंड डबल बॉन्ड के राइट साइड नंबर ऑफ कार्बन बराबर होते हैं। तो ढूंढिए यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन। ब्यूटीन वन कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं हो सकती है, प्रोपीन वन भी कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं हो सकती है, पेंटवनिन भी कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं हो सकती है। सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है, ब्यूटुइन, ये वाली है सिमेट्रिकल एल्कीन। तो चाहे आप यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ हो या मार्कोनिक ऑफ हो, टू ब्यूटीन इनके लिए फिजिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ब्यूटुइन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ से जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, HCl और HI मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्यों नहीं देता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो आप ऊपर फ्लैश एक आइकन फ्लैश हो रहा है उस पर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है क्यों HBr ही जो है मार्कोनिक ऑफ देता है, HCl और HI नहीं देता है, ठीक है। तो उस वीडियो के लिंक पे जाके आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।